Hello, hello everyone. So welcome to this new video after a long time. So in this video, we will be talking about the ECE branch. So what's the, you know, ECE branch actually is. So बहुत सारे doubts जो एक JEE aspirants के मन में आते हैं, including past me, मुझे भी आते थे कि ECE branch is the toughest and I'm not saying that it's not. When you will be seeing this video, you'll be clear about the fact. And in this video also we are talking about why should we take this branch, what are the opportunities in this branch, and what's the slight difference between ECE and EE branch. So ye difference hame ek JEE aspirant ke taur par nahi pata hota hai and mujhe bhi nahi pata tha. To बहुत सारे कन्फ्यूजन्स ऐसे माइंड में आते हैं जब आप अपनी जेई जर्नी कंप्लीट कर रहे होते हो और कॉलेज, किसी कॉलेज में कोई ब्रांच चूज़ कर रहे होते हो और उसमें ECE भी एक चॉइस होती है आपकी. सो हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द कोर्स कैरिकुलम इन MNIT फॉर दिस ब्रांच स्पेसिफिकली एंड सम यू नो अदर थिंग्स अबाउट ECE दैट डाउट्स यू नो दैट क्वेश्चंस विल बी क्लियर इन दिस वीडियो जो आपके माइंड में मतलब एक यू नो दीज आर जस्ट जनरल क्वेश्चंस तो वो सबके माइंड में आते हैं. तो आप एक बार ECE ब्रांच नहीं भी ले रहे होगे ना तो आई थिंक देन ऑल्सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं दे रही हूँ बिकॉज आई एम एन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट. सो आई थिंक कि अगर मैं इन क्वेश्चंस का आंसर दे रही हूँ या इन पॉइंट्स को क्लियर कर रही हूँ तो शायद वो उतना अच्छा नहीं रहेगा. एंड सो आई वॉज थिंकिंग कि इफ़ अ पर्सन फ्रॉम ECE ब्रांच इटसेल्फ विल आंसर यू दीज क्वेश्चंस और क्लियर यू दीज डाउट्स सो इट विल बी मोर बेटर फॉर यू. सो दिया विल बी आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस, क्लियरिंग ऑल दीज डाउट्स बिकॉज शी हरसेल्फ फ्रॉम ECE ब्रांच शी विल बी आंसरिंग एंड शी हैड आंसर्ड दीज क्वेश्चन वेरी परफेक्टली, वेरी नाइसली एंड वेरी स्मूथली. You will find this video very helpful if you watch it till the end. So let's get started with this video. Okay, so hello everyone, myself Diya. I am second year undergrad at MNIT Jaipur and I am pursuing electronics and communication engineering branch over there. So aaj ke video mein hum baat karenge about ECE branch, matlab actually ECE branch hai kya first of all. तो इट्स बेसिकली अ मिक्सअप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में तो आपको अबाउट ICs एंड चिप्स जो आपके लैपटॉप्स कंप्यूटर्स में लगते हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे. एंड इन कम्युनिकेशन पार्ट आपको 4G 5G कम्युनिकेशन ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड कैसे कम्युनिकेशन जाता है उसके पीछे की थ्योरी वगैरह उन सब के बारे में पढ़ाएंगे. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रिकल और ECE ब्रांच में. तो इलेक्ट्रिकल में बेसिकली आप वो पढ़ते हो पावर रिसोर्सेज के बारे में कि पावर जनरेशन रिसोर्सेज एंड कोर इलेक्ट्रिसिटी की तरफ इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई चली जाती है. बट ECE में आप पढ़ते हो अबाउट नेटवर्क्स, नेटवर्क्स एनालिसिस, ICs के बारे में और जो ऑल ओवर द नेटवर्क 4G नेटवर्क्स के बारे में वो सब आप ज़्यादा पढ़ते हो. तो ECE काइंड ऑफ मिक्स है इलेक्ट्रिकल का एंड कंप्यूटर का. थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स हमें मिक्स पढ़ाए जाते हैं इलेक्ट्रिकल के भी और कंप्यूटर साइंस के भी. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि करिकुलम क्या है ECE ब्रांच का. तो फर्स्ट ईयर तो सबके लिए कॉमन रहता है, ऑल ब्रांचेस में ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं तो फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ नहीं है. फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स डिस्टिंक्शन आता है. सेकेंड ईयर में आपको एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम इन सब के बारे में पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत. और फ्रॉम फिफ्थ सेमेस्टर आपको VLSI टेस्टिंग और माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर इन सब के बारे में पढ़ाते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ECE ब्रांच क्यों लेनी चाहिए, व्हाई शुड वी टेक ECE ब्रांच. तो इसका आंसर है कि ECE ब्रांच में स्कोप बहुत ज़्यादा है अदर ब्रांच के कंपैरिजन में.
जैसे CSE में तो बेसिकली आप मेजरली आप कोडिंग करके और IT सेक्टर की तरफ मूव करते हो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की तरफ, बट PCE में आप कोडिंग करके IT सेक्टर की तरफ भी मूव कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे वहाँ भी मूव करते हैं और आप कोर कंपनीज की तरफ भी मूव कर सकते हो, और कोर फील्ड में आप गेट के थ्रू हायर स्टडीज मास्टर्स फ्रॉम IITs NITs कर सकते हो, और कैट के थ्रू आप MBA भी कर सकते हो। तो बहुत सारे स्कोप इसी ब्रांच के लिए इसी ब्रांच के स्टूडेंट के पास होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इसी ब्रांच पढ़ने में टफ है और उसका करिकुलम थोड़ा पढ़ने में टफ लग सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो इतना टफ नहीं है। अगर कोई पढ़ने वाला सिंसियर स्टूडेंट है तो वो मैनेज कर लेता है। हाँ, इसका वर्कलोड अदर ब्रांचेस से ज़्यादा होता है। सर्किटल ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रिकल और ECE का वर्कलोड बाकी अदर ब्रांचेस से ज़्यादा होता है, लाइक एज कम्पेयर टू मैकेनिकल एंड केमिकल, बट इतना टफ भी नहीं है और आप आराम से 8+ CGPA स्कोर कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कौन सी कंपनीज ECE स्टूडेंट को इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स में बैठने के लिए अलाउ करती है। तो मोस्टली सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज आपको इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट में बैठने को अलाउ कर सकती है करती है जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गूगल, अडोबे, आर्सेशियम, और इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज लाइक सैमसंग, मैथवर्क्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक कंपनीज भी है जो आपको इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स में बैठने के लिए अलाउ करती है। मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को अलाउ करती है। तो दीज वर द कंपनीज जो आपको अलाउ करेंगी। गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर इंजीनियरिंग इन चूजिंग योर ब्रांच परफेक्टली।